चाओवाओ रेस्टोरेंट है, चाइनीज नेम है और इसका जो सूप भी मुझे चाइनीज लग रहा है क्योंकि। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खुश और आबाद होंगे और आज मैं मौजूद हूँ फोर्ट ग्रैंड कराची में। और दोस्तों ज़्यादातर मसला यही है कराची में ज़्यादा पार्क की, कि वहाँ फैमिली लाना ज़रूरी है, मतलब फैमिलीज के बगैर आप अंदर नहीं जा सकते। तो इसलिए आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू अंदर जाए और देखते रहिए, इंजॉय कीजिए। थैंक यू। फैमिली मुंह सारा फैमिली अंदर है हमारी, हाँ ना। हाँ, इस तरह है कि हम जितने भी जगह पे गए कराची में तो ये मसला था कि जिधर भी हम गए तो फैमिली के बगैर अलाउ नहीं करते थे। पता नहीं इसमें कोई सीरियस इशू होगा इसलिए तो ये मना करते हैं। क्या कुछ मौजूद है और किस तरह लोग एंजॉय करते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं, तो इंशाल्लाह हमारे साथ रहिए। थैंक यू दोस्तों। जिस तरह आपको इनायत भाई ने कहा कि ज़्यादातर पार्क्स, पहले भी मैंने कहा और आप इसने भी ये बात इस बात को महसूस किया है कि फैमिली के बगैर, मतलब ज़्यादातर पार्क्स जो है उसमें एंट्री माना है। ये बात है, बिल्कुल। तो जितने भी व्यूअर्स है इसके लिए और उसका जो फैमिली के लिए, उनकी फैमिली के लिए, मतलब ये कराची देखने के लिए एक चांस भी है आपके फैमिली के लिए। बिल्कुल ज़बरदस्त। मैं तो चाहता हूँ कि फैमिली के साथ आए, जो भी आए और अपनी फैमिली के साथ आए तो बहुत खूब और बहुत अच्छा एंजॉय करेगा। और मतलब जितनी भी पार्क है, मतलब वो वहाँ फैमिली के इजीली वहाँ से, अकेले आए हमारी तरह तो इसी तरह पार्क होते रहेंगे। पहले तो अलाउ था, फिर मिड में इसको बंद कर दिया गया क्योंकि हुआ ये बैक बेंचर्स और कुछ फजूल कुछ उबाश किस्म के लड़के आते हैं तो पार्क में जो फैमिलीज इन होती हैं तो वहाँ छेड़खानी और कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जो नाजिबा होती हैं, जिसकी वजह से फैमिली को बहुत एम्ब्रेसिंग फील होता है। तो आई थिंक ये एक अच्छा डिसीजन है, लेकिन अगर कोई आ रहा है तो उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो उसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आप फैमिली मेम्बर जैसे किसी को लेकर आएँ तो एक कम्प्लीट फैमिली के तौर पर जो प्रॉपर तरीका है उसके तरीके से अंदर जाइए, तो एक बेहतरीन तरीका। थैंक यू। We'll be right back.
दोस्तों कौन से वाले रेस्टोरेंट है यहाँ? वाह वाह चाइनीज़। अच्छा जी, उनके छत के ऊपर बैठा हुआ है और इंशाल्लाह सूप पियेंगे, क्योंकि रोटी इसलिए नहीं खाएंगे कि हमारे हमें किसी ने इनवाइट किया हुआ है रोटी पे, डिनर पे। तो उसको मैंने कहा और दोस्तों ने भी कहा कि यार हम यहाँ सिर्फ सूप पियेंगे और सूप के बाद इंशाल्लाह वहाँ जाएंगे। दोस्तों सूप आ गया बहुत ज़बरदस्त। और ये कौन सा रेस्टोरेंट था? चाऊ 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 रेस्टोरेंट है, चाइनीज़ नेम है। और इसका जो सूप भी मुझे चाइनीज़ लग रहा है, क्योंकि चाइनीज़ रेस्टोरेंट है तो चाइनीज़ सूप भी मतलब यही होगा। तो मैं क्या कहूँ आपको, बस जहाँ भी हो सूप पियो और मज़े करो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये व्लॉग भी आप लोगों को पसंद आया होगा। और इसी के साथ मैं मतलब अगर आपको बता दूँ तो मतलब फूड ग्रैंड में जो फूड स्ट्रीट है वो तो थोड़ा सा महंगा है, लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ का खाना चाहोगे तो जहाँ भी आप हो अपने इर्द गिर्द को साफ रखें, अपने आप को मतलब रिलैक्स रख के दूसरों को सफाई का ताकीद कीजिए। और ताकीद के साथ साथ अगर आप खुद भी सफाई का बहुत ख्याल रखें तो ये हमारे पाकिस्तान को बहुत जल्दी से क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान इसकी सोच से इंशाल्लाह बन सकता है। तो इसी के साथ मलिक एजाज को दीजिए इजाज़त। Thank you.